Hello students, good morning. Welcome to your civics class. So in our previous class we have started your chapter 5 from unit 3rd legislature, and we have completed till page number 113. 8th point, debating functions, and today we are going to start the topic, why do we need two houses in parliament. The term parliament refers to national legislature. The legislature of the state is described as state legislature. The parliament in India has two houses. When there are two houses of the legislature, it is called bicameral legislature. So hame parliament, why do we need two houses in parliament? Parliament mein hame do houses ki zarurat kyun hai? Parliament kisko refer karta hai? National legislature ko. A legislature of the state is described as state legislature. और जिस भी पार्लियामेंट में टू हाउसेज रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बाय कैमरल लेजिस्लेचर. द टू हाउसेज आर राज्यसभा एंड द लोकसभा. राज्यसभा इज नोन एज द हाउस ऑफ राज्यसभा इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन टू स्टैब्लिश ईदर अ यूनिकैमरल either a unicameral or bicameral legislature. At present only 6 states have a bicameral legislature. So constitution ne ye ek option de rakha hai ki ya to aap unicameral state rakhiye ya to bicameral legislature rakhiye. Unicameral means ki aap wahan pe single house se wo conduct hoga, and bicameral means wahan pe two houses honge. At present, only six states have bicameral legislature. These are Bihar, Jammu and Kashmir, Karnataka, Maharashtra, and Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. Okay. The origin of bicameral legislature in India is a historical contribution. The British government thought the Government of India Act of 1990 established bicameral legislature, which was further confirmed by the Government of India Act of 1935. सो दो हाउसेस की पार्लियामेंट में क्यों ज़रूरत थी? फर्स्ट, इंडिया नीडेड फेडरल सिस्टम एंड द बाय कैमरा लेजिस्लेचर वॉज नेसेसरी. इंडिया में फेडरल सिस्टम की बहुत ज़्यादा नीड थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए बाय कैमरा लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया गया. सेकेंड, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर वॉज फेमिलियर विद दिस इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा. इट्स यूटिलिटी वेयर वॉज वेल नोन टू देम एंड दे फाउंड इट कन्वीनियंट टू कैरी ऑन द स्टेटस को. नेक्स्ट इज़ द राज्यसभा. द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नोन एज राज्यसभा. अपर हाउस को हम क्या भी और भी क्या बुलाते हैं? राज्यसभा. ओके, इट इज़ अ परमानेंट हाउस एंड द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द कंट्री आर इट्स मेंबर. ये परमानेंट हाउस है, मीन्स इसका कोई रिटायरमेंट का टाइम नहीं है. ये परमानेंट हाउस है और प्रोमिनेंट लीडर्स इंडिया कंट्री के जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. इट इज़ अ हाउस ऑफ द स्टेट एंड नॉट ऑफ द पीपल. ये एक हाउस है स्टेट का, ना कि पीपल्स का. मींस जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है या वोटिंग होती है, इस पर पीपल के थ्रू नहीं होती है. रादर द वोटिंग आर कंडक्टेड विद इन द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इटसेल्फ. इट इंक्लूड्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स. इट इज़ अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी. और ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी है. कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा. द मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा इज़ 250. सो 250 मैक्सिमम नंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स का है. इट कंसिस्ट 238 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस एसेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा. द इलेक्शन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा इज डन बाय द डिफरेंट स्टेट असेंबलीज. सो जो भी राज्यसभा में इलेक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं? स्टेट असेंबली के थ्रू. हाउ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा मे बी इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय पासिंग अ लॉ. ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबली ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर्म अ इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस.
नेक्स्ट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दे शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ही इज़ नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज. एज जो है 30 ईयर्स से कम की नहीं होनी चाहिए. ही पोजेसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट. और क्वालिफिकेशंस ऐसी भी होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड है. एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, इट इज़ नेसेसरी दैट द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही सीक्स टू कंटेस्ट इलेक्शन ही शुड बी द वोटर ऑफ एनी इलेक्टोरल कॉन्स्टिटेंसीज ऑफ अ लोकसभा और ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी. और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के थ्रू वो लोकसभा का मेंबर भी होना चाहिए. वहाँ से लोकसभा के मेंबर से होके भी वो राज्यसभा में आया हो और वो पब्लिक वोटिंग में भी पार्टिसिपेट पहले किया हो. नेक्स्ट इज टेन्योर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि आफ्टर 5 ईयर और आफ्टर 6 ईयर ये डिसॉल्व हो जाता है. ये एक फिक्स परमानेंट हाउस है. द इलेक्शन फॉर दिस हाउस इज़ डन फॉर ऑल द मेम्बर्स एट द सेम टाइम. और यहाँ जो भी इलेक्शंस होते हैं सारे मेम्बर्स के लिए एक ही टाइम पे होते हैं. इट्स मेम्बर आज इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स. और यहाँ के मेम्बर्स 6 ईयर्स के लिए अपॉइंट किए जाते हैं. एंड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स 1/3 ऑफ द टोटल मेम्बरशिप रिटायर एंड द वैकेंसी दस क्रिएटेड इज फिल्ड बाय द इलेक्शन. और हर 2 ईयर्स के बाद में 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं और जो वैकेंसी रहती है उसके लिए वापस से इलेक्शन होके इसमें वापस से मेंबर्स को फिल किया जाता है. दस द राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस एंड द न्यू मेंबर्स कीप गेटिंग एडेड. इसीलिए राज्यसभा परमानेंट हाउस है और नए नए मेंबर्स टाइम टू टाइम इसमें ऐड होते जाते हैं. नेक्स्ट इज़ अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा एंड द वेकेशन ऑफ सीट्स. द डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप, फर्स्ट, होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट्स. ऐसे लोगों का क्वालिफिकेशन डिस्कार्ड कर दिया जाता है जो कि मेंबर होने के साथ साथ किसी ऑफिस में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंडर प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं. सेकेंड, बींग of unsound mind who they are abnormal, and third, being as alien and being disqualified under any law of parliament. किसी law के under में आके parliament जो जिसको agreement नहीं देता है member होने का उसके according भी वो members नहीं हो सकते हैं. And the third point is being as alien. अगर वो alien है तो भी वो राज्यसभा के members नहीं हो सकते हैं. एलियन मीन्स, यहाँ पे एलियन का मतलब आपका हो जाएगा कि जो पहले से कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर या कोई भी ऐसी सिचुएशन से बिलोंग नहीं करके डायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स के लिए अप्लाई करते हैं. नेक्स्ट इज ऑफिसर्स ऑफ द राज्यसभा. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के. ही इज़ नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ द हाउस. व्हेन द हाउस इज़ डिवाइडेड इक्वली ड्यूरिंग वोटिंग देन द चेयरमैन कैन यूज हिज कास्ट वोटिंग कास्टिंग वोट. द राज्यसभा ऑल्सो हैज़ अ डिप्टी चेयरमैन हु इज़ चूजन बाय द हाउस इट्सेल्फ. राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन भी होता है जिसको कि हाउस खुद से चूज कर सकता है. द फंक्शन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज़ टू असिस्ट द चेयरमैन इन हुज एब्सेंस. ड्यूटी क्या होती है डिप्टी चेयरमैन की? कि चेयरमैन के एब्सेंस में या फिर किसी अदर के एब्सेंस में जो भी वहाँ के बिजनेस है उस हाउस का उसको कंडक्ट करे, मैनेज करे. द फंक्शन ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर सिमिलर टू द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिस्पेक्टिवली. चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं उनका वही फंक्शंस होता है जो कि लोकसभा में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का होता है. नेक्स्ट इज द पावर्स ऑफ राज्यसभा. द पावर ऑफ राज्यसभा यू कैन सी इन द 5 पॉइंट्स. फर्स्ट, लेजिस्लेटिव. राज्यसभा के पावर्स क्या होते हैं? लेजिस्लेचर को फॉर्म करना. सेकेंड, फाइनेंशियल जो भी इशूज़ रहते हैं उसमें राज्यसभा का इंटरफेरेंस रहता है. थर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव. फोर्थ, इन रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो कौन करेगा? राज्यसभा. एंड फिफ्थ इज़ मिसलेनियस.
मिसलेनियस मीन्स देर आर मेनी अदर इशूज ऑल्सो विच आर सॉल्व बाय द राज्यसभा ओनली. हेयर आर द पॉइंट्स गिवन इन द डिटेल्स, सो गो थ्रू इट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी. ओके, मिसलेनियस में आपके देखिए कौन कौन से इश्यूज आ जाएंगे. इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड पावर ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, एंड थर्ड इज रिमूवल ऑफ जज, एंड फोर्थ कंसिडरेशन ऑफ रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमीशन, एंड फिफ्थ राइट टू कन्फर्म इमरजेंसी. ये सारे पॉइंट्स मिसलेनियस पावर्स के अंडर में आते हैं. सिक्स्थ इज स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है? राज्यसभा हैज़ अ राइट टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू स्टार्ट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन. सो राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सके, राइट दे सके कि वो ऑल इंडिया सर्विसेज का वापस से पूरी एक न्यू स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द लोकसभा. लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस. द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया इज नोन एज लोकसभा. इट कंसिस्टेड ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर कंट्री. इट कंपेरिजन इन कंपेरिजन टू द लेजिस्लेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द इंडिया, द इंडियन लोकसभा रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर होता है? इंडिया में. कॉम्पोजिशन ऑफ द लोकसभा. लोकसभा की कॉम्पोजिशन कैसी है? यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ 545 है आउट ऑफ 530. आउट ऑफ दिस नंबर 530 मेंबर्स आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 मेंबर्स आर फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड बाय द रिटर्न ऑफ द टू हाउसेज. इन एडिशन देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन ऑफ द टू एंग्लो इंडियंस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो 545 यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ है, जिसमें से 530 मेंबर स्टेट के होने चाहिए, 13 यूनियन टेरिटरीज के, और प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि टू एंग्लो इंडियंस को भी इलेक्ट कर सकते हैं. ओके, यू कैन सी इन द फ्लो डायग्राम, दिस इज अ मेंबरशिप फ्लो चार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा. ओके, इसको आप ज़रूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा. इवन आप जो कॉपी आप अपनी बना रखे हो उसमें आप ये ड्रॉ भी कर लीजिएगा. इसे अगर आप समझ लोगे तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काफ़ी क्लियर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस. इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं? डायरेक्ट इलेक्शन. लोकसभा के जो भी इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, मीन्स उसमें पीपल की पार्टिसिपेशन होती है, हम लोग ही वोट करते हैं. सेकंड, सीक्रेट बैलेट. सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है. एंड थर्ड इज अडल्ट सफरेज. जो भी 18 प्लस हैं उनको अडल्ट सफरेज मिलता है, मीन्स उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, वेदर दे आर मैन और वीमेन. इसके लिए उन्हें क्या, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? ही और शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ही हैज़ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज. ही इज़ नॉट डिबार्डेड फ्रॉम द कास्टिंग फ्रॉम हिज फ्रेंचाइजी, एंड ही कैन कास्ट हिज वोट इन एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिटेंसी इन विच वोटर्स लेट हिज नेम अपीयर. ओके, सो दिस इज़ फॉर नाउ, एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कम्प्लीट इन अवर नेक्स्ट क्लास.